गर्लफ्रेंड रखना पाप क्यों है? ओहो हालेलुया। तू जो कोई भी है भाई तू गया आज। चलो यार देखो लगता है भाई तू जो भी है कल से इधर ही है। सुनिए बाइबल क्यों कहती है ये सब गलत है, याद रखिए ये सारी चीजें आपके माइंड को ब्लॉक कर देंगी। सवेरे उठोगे व्हाट्सएप निकालोगे पहले पहले उसको लिखोगे गुड मॉर्निंग जान, दोपहर में खाना खाया 4 बजे क्या कर रही है 6 बजे गुड इवनिंग, 7:30 बजे चल किधर चलते हैं, 8:30 बजे घर पहुंची, 9 बजे और मम्मी ने कुछ बोला तो नहीं। That's called attachment. यीशु ने कहा एक मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप सारा दिन उसके साथ ही रहेंगे और ये तो स्टार्टिंग है, उसके बाद अशुद्ध चीजें चालू होंगी। वो आपको बोलेगी फोटो भेजो, आप भी बोलोगे फोटो भेजो, फिर आप लोग पहले डिसेंट फोटो निकालोगे नया ड्रेस पहन के, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते अश्लीलता चालू होगी वहां से, फिर चैट में व्यभिचार करोगे, फिर मिलके व्यभिचार करोगे, हो गया काम पूरा। ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने बहुतों को देखा है लड़कों को चर्च के अंदर लड़कियों को लाइन मारते, मैं बहुत स्ट्रांग हूं इन बातों में, बर्दाश्त ही नहीं करता मैं फिर ऐसे लोगों के साथ बैठ के बात करता हूं, मैं बोलता हूं क्या करना है आपको, अब क्यों क्यों आप कलीसिया का काम खराब कर रहे हो। मेरी बहनों इस बात को याद रखो, इसमें दोनों की गलतियां हैं। कितने लोगों ने तिमुथियुस में यह वचन पढ़ा है, कुछ ऐसे हैं जो दबे पांव घर आते हैं ताकि उन स्त्रियों को वश में कर लें जो अभी अभी मसीह में आई हैं, सत्य को पहचान रही हैं। और जानते हो आप बहनों के लिए क्या लिखा है कि कुछ बहनें वासनाओं की शिकार होती हैं, हमेशा सीखती तो रहती हैं पर सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाती। हमेशा याद रखिए लड़के और लड़की में हमेशा गैप होनी चाहिए, अपोजिट सेक्स को देखकर भागना नहीं है, लेकिन याद रखिए आपके कुछ लिमिट्स हैं, वो लिमिट्स क्रॉस करोगे फीलिंग्स बदलेंगी, माइंड चेंज होगा। एक चीज और बताना चाहता हूं, आप जानते हो कितने मसीह लोग हैं इन दिनों में अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं तो शादियों में भी नहीं जाता इनकी, मैं उनको बोलता हूं ठीक है आपको करना है करो प्लीज, मुझे आप मत एक करो उसमें, आप बताइए शादी हो जाएगी, बड़ों के पैर पड़ोगे, उनके देवताओं को मानोगे, उनके फेस्टिवल में जाओगे, हर चीज के लिए ना कहोगे ना कहोगे ना कहोगे, वो कितना टाइम झेलेंगे आपको। इसीलिए बाइबल बताती है ये जुआ एक समान होना चाहिए, असमान नहीं होना चाहिए। असमान समझते हैं? जब खेत में जो जानवर हल जोतते हैं ना वो दोनों सेम होते हैं, एक तरफ गधा और घोड़ा नहीं होता, दोनों तरफ या तो गधे ले लो या घोड़े ले लो या काऊ ले लो, एक समान जुआ होना चाहिए। आप सोचो आप नए, आप इतने स्ट्रांग बिलीवर और आपने उनको रखा है जो प्रभु को जानते भी नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं बॉम्बे में खाने के ऊपर प्रार्थना करते हैं ना लोग हंसते हैं हम पर। मैं एक दिन मॉल में था मेरे भाइयों के साथ, भाइयों ने बोला क्या खाओगे, मैंने कहा सैंडविच लेके आ जाओ, वो सैंडविच लेके आए, मैंने कहा पिता मैं शुक्र करता हूं आपने बहुतों को, आज बहुतों ने नहीं खाया पर आपने मुझे दिया, यीशु के नाम में धन्यवाद, मैंने ऐसा कहा। मेरे बाजू वाले ऐसे थे मुझे बोल रहे थे बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब पिछड़े हुए लोग, मतलब पुराने जमाने के लोग। आपको पता है कुछ लोगों को अधिक ईशु ईशु करना भी अच्छा नहीं लगता,
मुझे बताइए बहनें, क्या करोगे फिर आप? इसीलिए बाइबल मना करती है, इन संबंधों में मत जाओ। शादी करने का एक सबसे अच्छा नियम है, अपने पास्टर के पास अपने माँ बाप को भेजो, वो लोग आके कहें कि हमारी बच्ची बड़ी हो रही है, आपकी नजर में कोई है तो हमें बताइएगा। और उनको भी ज्यादा परेशान मत करो, ये बोल दो और प्रार्थना करो, कोई भी अच्छा प्रपोजल होगा वो आपको बताएंगे। ऐसी ऐसी बात है, इंक्वायरी करो, प्रार्थना करो, अगर आपको अंदर में शांति महसूस हो रही है आगे बढ़ो। चलो बताइए, रिबेका को जब एलियाजर ने चूड़ियां पहनाई तो उसने क्या बोला? चलो 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 चलो, क्या कहा उसने? मेरे घर में बात करो पहले। गर्लफ्रेंड रखना पाप क्यों? अरे भाई ऐसे मत कर। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? 15-16 साल में लोग कुंवारापन खो देते हैं आजकल, सेक्स बिफोर मैरिज, शादी से पहले ही शारीरिक संबंध। आप सोचो शादी में बचा क्या आपके लिए? शादी में बचा क्या आपके लिए? लड़का दूर भागेगा आपसे। और भाइयों मैं आपको एक सत्य बताऊं, पहले भाइयों को फिर बहनों को, विश्वास करो मेरे भाई, लड़कियां जैसे फेसबुक पे दिखती है वैसे रियल में नहीं दिखती। धोखा है ये, धोखा। वो कभी कभी क्या होता है, कुछ लड़कियां तैयार होती हैं, मेकअप वगैरह जो भी लगाती हैं, चूना जो भी, तो पता नहीं क्या बोलती है इसको, जो भी करती हैं, चूना वूना जो भी लगाती हैं, वो एक फोटो निकाल देती हैं और वो फेसबुक पे डाल देती हैं और हम पागल। मेरे को समझ में नहीं आता फोटो देख के प्यार होता कैसे। और मेरी बहनों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, ये थोड़ा सोशल मीडिया का भी क्लियर कर देता हूं। जिस भाई को आप जानते नहीं है उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट क्यों करते? और तुम लोग जिसको जानते नहीं है उसको भेजते क्यों हो? आपको पता है कितने डिवोर्सेस हुए हैं आजकल बिकॉज ऑफ फेसबुक? एक लड़का जो प्योरिटी में जीता था वहां पर किसी से मिला, दिमाग खराब हुआ, पाप में चले गए। आए दिन ये केसेस होते हैं। धन्य है वे जो फेसबुक पे नहीं है। धन्य 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 है वे जो व्हाट्सएप पे भी नहीं है। और मुबारक है वो जिनके पास फोन ही नहीं है।